बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अगर तुम्हें लगता है कि दोबारा बुनाई जरूरी है तो अपनी बहन को लेकर उस खड्डी पे जाकर बैठो और दोबारा बुनाई शुरू कर दो, और अच्छी ना लगे तो उधेड़ कर दोबारा बुनना। हम इससे हाथ भी नहीं लगाएंगे, बिठा लो अपने दिमाग में। तो मेरा हुक्म नहीं मानेगी, ये आखिरी फैसला है आपका? हाँ, आप यहाँ खेमे के बाहर क्यों खड़ी हैं वालिदा? बेबुलात ने हमारे औताक में दाखले पर पाबंदी लगा दी। सरदार आला बनते ही उसने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। एक तरफ वो गद्दार था और दूसरी तरफ उसकी बहनें। खुशकिस्मती से उस्मान आ गया, शुक्र है कि आप लौट आए, लेकिन सुलेमान का कुछ मालूम नहीं। क्या आप जानते हैं कि वो कहां है? परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने भतीजे को बेसहारा नहीं छोड़ सकता मैं। सुलेमान बिल्कुल महफूज है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र। काई के लोगों को बताऊंगा कि किसके पास ताकत है, मजबूती और हिम्मत है। मैं उन लोगों के लिए भयानक ख्वाब बन जाऊंगा। मंगोलों का बाज़ंतीनियों के साथ मुआहदा था। बाज़ंतीनी मुआहदे के मुताबिक सुल्तान कैकाउस को मंगोलों के हवाले करने के पाबंद है। हलाकू खान ने कैकाउस को लाने के लिए पैगाम में ये जिम्मेदारी अलंजक के सुपुर्द की है। संदूक मिल गया, अब ये मुकद्दस जिम्मेदारी भी हलाकू खान ने आपको दी है। जब आप ये काम सर अंजाम देंगे तो आपका मकाम उनके बेटे अबका के दर्जे पर होगा। अगर पूछे कि क्यों तो क्या कहूं उससे? अलंजक पर पहला वार करना है ये कहना। फिलवक्त उसके लिए इतना जानना काफी है। जो हुक्म सरदार, जो हुक्म। ज्यादा देर मत करना जांगुच। हाँ। चलो। दुनिया के सफर से अलंजक का क्या ताल्लुक है? तुम क्या करने जा रहे हो अर्तुरुल? क्या करने जा रहे हो? आपने मुझे याद किया कमांडर अलंजक। हलाकू खान का हुक्म आया है, एक अहम मार्का है, उसके बाद संदूक लेके तबरेज रवाना हो जाऊंगा, लेकिन दोबारा वापस आऊंगा।
मेरे वापस आने तक सारे मामलात निपटा देना। कोई मसला नहीं होना चाहिए। जब तक मैं वापस आऊंगा अर्तुरल भी सोना ला चुका होगा। अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करूंगा मैं, आप इसकी फिक्र ना करें। लेकिन काई कबीला मुझे नहीं लगता तावुन करेगा। तुम्हें उन लोगों को हर कीमत पर काबू करना होगा, वरना तुम्हारी जगह किसी लोहार को भी सरदारी आला बना सकता हूं मैं। मैं उन्हें किसी भी तरीके से काबू कर लूंगा, लेकिन अगर कोई हंगामा खड़ा हुआ तो मैं उसे खून बहाकर दबाता हूं, आप जानते हैं। तुम्हारे फैसले हमारी ताकत की तरह लामहदूद हैं। अगर कोई बगावत पर उतरे मार देना। कुस्तनतुनिया के कुर्बोजवार में मंगोल क्या करते फिर रहे हैं? किले में इसकी कोई खबर नहीं आई। जरूर कोई खास मामला दरपेश होगा। तुमने अर्तुरुल के लिए 10 बेहतरीन सिपाही तैयार किए? जी वो तैयार हैं जनाब। बेशक अर्तुरुल मंगोलों की कलील तादाद को कत्ल कर पाएगा, फिर भी अलंजक के खिलाफ चाल की यह अच्छी इब्तिदा होगी। सूद में इतने ज्यादा मंगोल होने के बावजूद भी अर्तुरुल को उन्हें मारने के लिए आखिर कुस्तनतुनिया जाने की क्या जरूरत है? मतलब ये कि मामला अहम है, हमें इसकी तफसील जानना होगी। मैं भी सिपाहियों के साथ वहां चला जाता हूं। नहीं, इस काम के लिए मैं खुद वहां जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि यह सब कुछ अपनी आंखों से देखूं रानूस। मुमकिन है वहां जाकर ऐसा कोई राज हमारे हाथ लग जाए जो हमारी किस्मत बदल दे। क्या बात है हार्दिक साहब? अलंजक एक बार फिर कबीले पर हमला कर सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई खबर मिली है क्या आपको? अर्तुरुल भाई खास मुहिम के लिए रवाना हो चुके हैं और उनकी गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी हम सब पर आयद है। किसी भी नाखुशगवार वाके के लिए हमें तैयार रहना होगा ताकि दुश्मन को जेर कर सकें। सिपाहियों को भी हुक्म दिया जा चुका है कि खैमों में भी अपनी तलवारें नियाम में ना रखें। बिल्कुल सही किया आर्थिक साहब। किसी भी जंग की सूरत में हिम्मत से, जुर्रत से, दिलो जान से और पूरी कुव्वत के साथ दुश्मन से लड़ेंगे। उन जालिमों को कोई मौका नहीं देंगे हम। ऐसा ही होगा आर्थिक साहब, इंशाल्लाह। मंगोलों के आने से पहले ड्रैगोस के सिपाहियों को यहां पहुंच जाना चाहिए। अब्दुल रहमान के कब उसके मौजूदा मकाम की निगरानी कर रहा है। खिलाफ तवक्को कुछ हुआ तो खबर कर देगा। ड्रैगोस के आदमी है ये। हमें कमांडर ड्रैगोस ने आपके पास भेजा है। इस जंग में हम आपका साथ देंगे अर्तुरुल सरदार। कोई एक भी मंगोल जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। कैदी को जरा भी जरर न पहुंचने पाए। अपनी आंखों को खुला रखना, कोई आए तो खबरदार करना। बाज़ंतीनी एक कैदी को लेकर आए हैं। मंगोल उसे कब्जे में लेंगे। मंगोलों की कमान सबूताई कर रहा है। हम कार्रवाई शुरू करेंगे। वो जितनी तेजी से हमारी तरफ आएंगे हम उतनी ही तेजी से उन्हें जहन्नम भेज देंगे। चलो मेरे बहादुरों,
चाहे बाजंतीन में पनाह ले लो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, हमसे नहीं बच पाओगे। तुम्हारा अंजाम सिर्फ एक है कि हमारे जूतों तले कुछ ले जाओ। पहले जरूरी काम अंजाम दे ले, उसके बाद आपस में जो करना है करते रहना तुम लोग। इसके हवालगी के सबूत पर मोहर लगा दें। इस शख्स को हमने आपके हवाले कर दिया है, जो करना है करें। गुलाम की तरह फरोख्त कर दिया गया के कबूस, और अब तबरेज तक तुम्हें नंगे पांव लेकर जाऊंगा। पूरा अनातोलिया देखेगा कि अब हम तुम्हारा क्या हशर करेंगे। वैसा ही जैसा तुम्हारी रियासत का किया हमने। हमारी आस्तीनों में छुपे हुए सांप अगर हमें न डसते तो तुम कभी हमारी सल्तनत को तबाह ना कर पाते, लेकिन मैं तुम्हारा हलीफ कभी नहीं बनूंगा। तुम्हारे जालिम खान ने मुझे तो हासिल कर लिया, मगर मेरे ईमान को नहीं। पकड़ो इसे। ले चलो इसे, बहुत तवील सफर तय करना है। कौन है ये शख्स? कौन? किसने चलाया ये तीर? चलो। कौन है ये लोग? Come on.
छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कौन हो तुम? बताओ किसने भेजा है तुम्हें? मैं वो मुजाहिद हूं जो हर जालिम से इंतकाम लेगा। ये सरजमीन तुम जैसे गीदड़ों से पाक कर दूंगा। मंगोलों का एक और दस्ता आ रहा है। इस आदमी को अपने साथ किसी महफूज मकाम पर ले जाओ। जल्दी कालीन अच्छी तैयार हुई है। हाँ, माशाल्लाह। इसी तरह और मेहनत करेंगे हम हमेशा। अपने हाथ चलाएं ख्वातीन, ज़बान नहीं। चाहे कोई भी हो, उसे छूट नहीं दी जाएगी। अब हमें सिर्फ बुनाई नहीं करनी बल्कि अच्छा और मयारी काम करके देना है। तवज्जो से काम कीजिए, तवज्जो से। ध्यान कहाँ है तुम्हारा खातून? अब क्या बुनाई भी मुझे सिखानी होगी? जब तक तुम पर सख्ती ना की जाए, तुम लोगों को कोई बात समझ नहीं आती। सलजान खातून, वो जानबूझकर ये सब कर रही है। मेहरबानी करके आप खामोश रहिए। इसे बातों से नहीं अफसा खातून, बल्कि लगता है दोबारा मार के समझाना होगा। सलजान खातून, हफ्सा, बातें कम करें और काम में फुर्ती दिखाएं। तुम्हें अगर हमारा काम पसंद नहीं तो खुद क्यों नहीं बुन लेती? तुम तोहफे में उमर उल्लाह के कालीन क्यों नहीं भेजती? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि उन कालीनों पे कोई अपना कदम तक रखना पसंद नहीं करेगा? हम सरदारे आला के नुमाइंदे हैं। हमारा जो काम है हम वही कर रहे हैं। मेरा काम हुक्म देना है और सबको अमल करना है उस पर। अपनी जगह पहचान लीजिए। बहुत शुक्र है कि हम अपनी जगह को अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन तुम लोगों ने अपनी औकात भुला दी। सलजान खातून। मालकिन, सलजान खातून से आप बात ना करें। मैंगो, तुम कुछ ना कहो।
और आप जो कहना चाहती हैं मुझसे कहें। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अर्तुरुल भाई की ताकत का मुजाहिरा तो तुमने देख ही लिया है। तुम्हारी बहन अलंचक को ताकतवर समझ के दुम से चिपकी रहती है उसकी। क्या ये भी सरदार आला का हुक्म है? माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर इसका जज्बा ऐसे ही बरकरार रहा तो इसकी ताकत हर जगह नजर आएगी। आखिर आपका मकसद क्या है सलजान खातून? जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। सिरमा, नहीं सिरमा, रुक जाएं। सिरमा रुक जाओ। सिरमा, सिरमा खातून, सिरमा छोड़ दो उन्हें, मैं कहती हूँ छोड़ दो। सलजान खातून, सिरमा, सिरमा, ये सब क्या है? सिपाहियों, हर तरफ फैल जाओ। सुबुताई, कमांडर अलंचक, सुबुताई, क्या हुआ था यहाँ? किसने किया ये सब? नहीं जानता वो कौन थे। उनके चेहरे कैसे थे? बाजंतीनी थे, तुर्क थे, कौन थे वो? चेहरे ढके हुए थे। तो क्या जिन्नात ने हमला कर दिया था तुम पर? यह अरली खान की रूह आसमान से नाजिल हुई थी। क्या कबूस, क्या कबूस कहाँ है? वो ले गए उसे। कैसे ले गए उसे? कैसे? हलाकू खान को क्या जवाब दूंगा? आसमान गिरा देंगे वो मुझ पर। कुछ कहा था उन्होंने? बताओ, कुछ तो सुना होगा तुमने। से बताए उसने कहा। क्या कहा उसने? ये सरजमीन तुम जैसे कीटों से पाक कर दूंगा। ऐसा करने की सिर्फ एक ही आदमी जुर्रत कर सकता है। अर्तुरुल।
और मुझे क्यों अगवा किया है? मंगोल हो या बाजंतीनी, ना मंगोल है और ना बाजंतीनी, वो उस कबीले के तुर्क है। एक अरसे तक दुश्मनों के हाथों असीर रहा हूं मैं, उनके बजाय तुम्हारे हाथों मरना पसंद करूंगा। बताओ बहादुर, नाम क्या है तुम्हारा? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। अर्तुरुल सरदार, बहुत सुना है आपके बारे में मैंने। मेरी बहन, आंखें खोलो सिरमा, आंखें खोलो। आंखें खोली सिरमा को दूर, हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। सिरमा, आंखें खोलो मेरी बहन। उठो सिरमा, देखो मैं यहाँ हूँ। आंखें खोलो, जल्दी आर्तुक साहब को खबर दो, जल्दी। सुलजान खातून, क्या हुआ यहाँ? ये आपने क्या किया? मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है सुलजान खातून? ताईजान, सुलजान, ये तुमने क्या किया बेटी? इसने मुझ पे हमला किया था, मैंने तो सिर्फ अपना बचाव किया। सरदार को हम क्या जवाब देंगे? सुलजान खातून को गिरफ्तार कर लो। दूर रहो। तहकीक किए बगैर नहीं ले जा सकते सुलजान खातून को। आगे से हट जाओ हमारे। रुक जाओ, बस करो। मैं जानती हूँ सुलजान खातून के साथ क्या करना है। सिरमा खातून ने जानलेवा हमला किया था सुलजान पर। जरा मामले को समझो पहले। जल्दी शिफा खाने लेके जाओ उसे। खड़े क्यों हो? मदद करो उसकी। जल्दी जल्दी मदद करो। हिम्मत रखो मेरी बहन। घोड़े अभी तक यही है, चलो। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए आप? ये एक जाल है तुर्कुत, होशियार रहना। हमारे हवाले कर दो कैकबूस, वरना मारे जाओगे। तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। तैयार हो जाओ जवानों, हमले का वक्त आ गया है। हमला करो। तो
हर जगह तलाश करो, एक एक सुराख ढूंढो। वो जंगल से बाहर नहीं गए होंगे। कमांडर एलन जक, कुछ सिपाही सुबुताई के साथ गए थे और बाकी सिपाही जंगल की तरफ गए हैं। अगर उन्हें नहीं ढूंढ सके तो मैं सिर्फ सुबुताई की नहीं, तुम सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। सिपाहियों, एक परिंदा भी जंगल से बाहर ना जा पाए, कोई सांप भी नहीं तवाना जा पाए। जरूरत पड़े तो पूरे जंगल को आग लगा दो, मगर कोई बच के न जाने पाए। अर्तुरल, कौन है जिसे बचाया है तुमने? अलंजा कितना पागल क्यों हो रहा है? क्यों तुर्क कबाइल के रास्तों की नाकाबंदी कर दी तुमने? बिल्कुल कमांडर अलंजक, पहले उन्हें तलाश कर लूं, उसके बाद काई कबीले को अपने गुस्से की आग से जला दूंगा। अर्तुरुल को इसकी सजा जरूर मिलेगी। काई कबीले के बीचों बीच अपनी तलवार से उसके टुकड़े करूंगा मैं। काई कबीले का नामो निशान मिटा दूंगा। चलो। हिफाजत करे। सिपाहियों, पकड़ो उसे जाकर। आप ठीक है? ठीक हूं मैं अर्तुरुल सरदार, ठीक हूं। चलो, इनके जख्म को मजबूती से बांधना होगा। आइए, हिम्मत करें, उठिए। सिरमा बच तो जाएगी ना? जो वाहिद चीज इन्हें बचा सकती है वो किस्मत है इलबिल के खातून। सलजान खातून ने सिरमा खातून को खंजर मार दिया, हालत नाजुक है उनकी। ये तुम क्या कह रहे हो जिनाल? वो आपका सर कलम करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि ऐसा करने से तुर्कों का हौसला कम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। अर्तुरुल सरदार, माशाल्लाह मेरे बहादुर। हाय मखानम, अलंजक नामी सालिम यहां हमला करने वाला है।
यही खबर कबीले देने आया था मैं। हमारा खून बहाया गया है तो आज से मैं भी खून बहाऊंगा। उस सलजान खातून को मैं खुद मौत के घाट उतारूंगा।